Welcome to Wiki's Kitchen Recipes. This is Sayed Iftikhar Ahmed, and the instructor Wasim Sana will show you how to make donkey roll without oven. Let's start the process. Subscribe to our channel for more videos. And press the bell icon for further updates from Wiki's Kitchen Recipes. Let's make donkey roll. दमकी रोट बनाने के लिए हम लेंगे 1/2 किलो मैदा, 1/2 किलो शक्कर का पाउडर और 1/2 किलो उपमा रवा। अब एक बोल में हम उपमे का रवा डालेंगे। अब उसमें मैदा डालेंगे। हम रोट बना रहे हैं 1/2 किलो रवा और 1/2 किलो मैदे से, यानी उससे आधी शक्कर लेंगे, यानी 1/2 किलो शक्कर। अगर आप 1 किलो की बना रहे हैं तो उसमें 1/2 किलो शक्कर डालेंगे। अब हम डालेंगे 1/2 किलो पिसी हुई शक्कर, यानी शक्कर का पाउडर। हम लेंगे 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर और 2 टेबलस्पून मोटा पिसा हुआ सौंफ का पाउडर। अब इनको हम इसमें डाल लेंगे। अब डालेंगे 1 टीस्पून खाने का सोडा, 3 चुटकी ज़ाफ़रान कलर के लिए दूध में घुला हुआ। अब इसको भी हम डाल लेंगे। हमने लिया है 3 टेबलस्पून असली घी। अब असली घी को भी हम इसमें डाल लेंगे। अब इनको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। हम लेंगे 2 टेबलस्पून तरबूज और खरबूज के बीज, 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम काजू बादाम बारीक कटे हुए और 50 ग्राम कद्दूकस किया हुआ खोपरा। अब इन सबको हम बारी बारी से इसमें डाल लेंगे। अब इनको एक साथ अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद अब इसमें हम थोड़ा दूध डालें। अब इसके डो बनने तक हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। डो के बन जाने के बाद इसे ढककर 1 घंटे के लिए रख दें। अब इसे अच्छी तरह गूंद लें। अब इसका एक पोर्शन लेंगे और इसे टिक्की का शेप देंगे हम। अब इसी तरह बाकियों को भी टिक्की का शेप दे दें।
सॉफ्ट दम के रोल बनाने के लिए तवे को थोड़ा गर्म कर लें और फ्लेम को लो कर दें। अब इस पर हम एक पैन रखेंगे। अब इस पर हम असली घी स्प्रेड कर लेंगे। अब इस पर हम रोटों को रख देंगे। अब इन रोट पर हम बादाम लगा लेंगे। अब इन पर हम थोड़ा घी स्प्रेड कर लेंगे। अब ढक्कन ढक कर इसे 20 या 30 मिनट तक स्टीम कर लें। के बाद ढक्कन हटा दें। अब चाकू से चेक कर लें जिस तरह बताया गया है। रोट अच्छी तरह बेक हो चुके हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। अब इन्हें 10 मिनट के लिए खुला रख दें। नरम दम के रोट बनकर तैयार है। दूसरा तरीका, इन्हें क्रंची बनाने के लिए तवे पर और रोट पर घी स्प्रेड कर लें। अब इन्हें दूसरी तरफ पलट कर पैन में रख दें। ढक्कन को ढक कर इसे 10 या 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम कर लें। 10 या 15 मिनट के बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल लें और 10 मिनट के लिए खुला रख दें। क्रंची दम के रोट बनकर तैयार हैं। Thank you for watching this video. If you love this video, leave a like, comment down, and share this video. And don't forget to subscribe our channel, VK's Kitchen Recipes.